तो आज हम बनाने वाले हैं फिर से स्टिकर विदाउट यूजिंग डबल साइड टेप। यहाँ मैंने स्टिकर बना के उनको कट कर लिया है और कलर भी कर लिया है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हमको टेप पे इनको उल्टा लगा देना है और ध्यान रखें कि स्पेस के साथ लगाना, ताकि अब बाद में पेस्ट करें तो बहुत ही ईजिली वो पेस्ट हो जाए। जैसे इस पाइनएप्पल को मैंने उल्टा करके लगाया है, ऐसे आप लगा लीजिए। बट आपको ऐसा लगे कि आप जब पेस्ट करेंगे तो ड्राइंग कहाँ चली जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ड्राइंग आपकी दिखेगी जो आपने स्टिकर्स बनाए हैं। तो और यहाँ पे हम थोड़ा और अलग मेथड यूज़ करेंगे, मतलब बाकी मेथड तो सेम रहेगा, बस लास्ट में हम थोड़ा अलग यूज़ करेंगे मेथड, ताकि आपको बहुत ही ज़्यादा ईजिली आप इसे कर सकें। तो मैंने यूट्यूब का जो लोगो था वो गलत ड्रॉ कर दिया था, गलत नहीं कह सकते, सेम था, बट मुझे वो पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने उसी के ऊपर ड्रॉ कर दिया, उसी की अपोजिट साइड, ताकि वो सही हो जाए। यहाँ पे कुछ मेरे पास और भी स्टिकर्स थे जो मैंने गलत है, तो मैंने उसके अपोजिट साइड सब स्टिकर को ड्रॉ कर लिया है, तो ऐसा आपको लगे कि पहले मैंने कट गलत करा, तो ऐसा नहीं है। और उसके बाद अगर आपका कट गलत हो जाता है कलर कटिंग के बाद, तो आप कटिंग के बाद उसके साइड साइड में जहाँ वाइट वाइट वहाँ आप उसे कलर कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे करा है। जोर, जोर मैंने से जो एरियन था वो मैंने डार्क ग्रीन में पहले करा था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, तो उससे मैंने फिर लाइट ग्रीन में कर लिया है। तो जैसे जैसे मैं कर रही हूँ, स्पेस ध्यान रखें, स्पेस के साथ आपको करना है, सब में थोड़ी थोड़ी स्पेस होनी ही चाहिए। देखिए जैसे जैसे मैं कर रही हूँ, और अगर आपने और भी मेरी वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मेरी सारी वीडियोस सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर देना, और भी आपके फ्रेंड्स क्राफ्टिंग हैं या रिलेटिव में से कोई है तो उन सब पे शेयर कर देना। ये मैंने एक हार्ट शेप आपको दिख रहा है, उसके पीछे मैंने एक ग्लास बनाया था, बट वो गलत हो गया, तो उसके पीछे मैंने कर दिया, उसके मतलब अपोजिट साइड में ड्रॉ करा है। ये जो आप हर्ट देख रहे हो ना, वो भी मेरे से गलत हो गया था, तो उसके अपोजिट साइड मैंने ड्रॉ करा है। ऐसे आपके पेज जो है ना वो ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होंगे, और आपकी ड्राइंग जो है वो अच्छी बन जाएगी, चाहे आप स्टिकर बना रहे हो या कोई और सी ड्राइंग। तो मैं तो हमेशा यही यूज़ करती हूँ टेक्निक, आप भी यूज कर सकते हो। तो लीजिए, हमने सबको कर लिया है। अब आपको यहाँ ट्रांसपेरेंट शीट चाहिए, आप जो कॉपियों पे कवर लगाते हो ना ट्रांसपेरेंट वाला, ये वही है। तो मेरी जो एक ओल्ड कॉपी थी जो बिल्कुल अब खाली नहीं थी उसमें जगह लिखने के लिए, तो मैंने उसका कवर हटा लिया और उसी पे मैं पेस्ट करूँगी। तो आपके स्टिकर जो है ना अभी टेप पे लगे हुए हैं, तो टेप पे उनको छुटा के मतलब और उसी शेप में कट कर दीजिए, और उसके बाद फिर उस सीट पे लगा लीजिए। देखिए जैसे मैंने यहाँ लगाया, अब यहाँ पे मैंने यहाँ टेस्ट किया तो ये बिल्कुल ईजिली और बहुत ही अच्छे तरीके से इस पर पेस्ट हो जा रहा है। तो लीजिए, मैंने सबको कट करके अब ट्रांसपेरेंट सीट पे लगा दिया। मैं आपको दिखाती हूँ, ये एलियन है, देखिए। अब एलियन को भी हमने पेस्ट किया, तो एलियन भी बहुत ईजिली हो गया है। तो अगर आप पहले टेप पे कट करके फिर ट्रांसपेरेंट सीट पे लगाएंगे तो और भी ईजिली हो जाएगा, नहीं तो दूसरा मेथड मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी दिखाया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ मैं सब पेस्ट कर रही हूँ, कितने ईजिली हो जा रहा है। और ये स्टार भी, अब मैं यहाँ चेरी पेस्ट करके देखती हूँ, देखिए चेरी भी हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ कितने ज़्यादा प्रीटी लग रहे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ मैंने यहाँ एक टेस्टिंग पेज समझ लीजिए, इस पर मैं टेस्ट करती रहती हूँ पेस्ट करके, और ये बहुत ही ज़्यादा प्रीटी कटिंग भी है इस पेज की। तो देखिए ये मैंने सब ड्रॉ कर लिया, अब मैं इसको वापस सीट पे लगा देती हूँ। जब जब मुझे इसका यूज़ होगा ना, जब मैं निकाल लूँगी, अभी मेरे को कोई यूज़ नहीं है, इसलिए मैंने इनको वापस से वहीं पे पेस्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा लगा, ये थोड़ा सा मेरे से सही से लगा नहीं था, तो मैं इसे फिर से वापस से टेप को अच्छे से पेस्ट कर देती हूँ सीट पर। तो देखिए ये एलियन पहले डार्क था, अब ग्रीन है। आपको कौन सा वाला एलियन अच्छा लग रहा है बता देना, और अगर आपको समझ ना आए कि कैसे बनाना है तो आप इसमें से देख सकते हैं कुछ डिजाइन।